से पहले अपने लिए अच्छे रफीक की तलाश करें, हर एक के साथ हज करने मत जाएं, और अगर हो सके तो उलमा और मशाइख के साथ हज करने जाएं। उलमा और मशाइख के साथ जब हज करने जाएंगे आपको तीन फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि उलमा की सोहबत से फैजियाब होने का आपको मौका मिलेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आप लग़वियात से, फहश और गलत कामों से महफूज रहेंगे। तीसरा जो सबसे अहम फायदा है वो ये होगा कि आपका हज सही तरीके से अदा हो जाए, इसलिए कि उलमा को मसाइल मालूम होते हैं, वो आपकी हर जगह रहनुमाई करते रहेंगे और आपको हर जगह गाइड करते रहेंगे, उनकी गाइडेंस में, उनकी रहनुमाई में आपका हज सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक अदा हो जाएगा। Like, comment, and subscribe.